जब ये रिक्शा वाला पेशाब कर रहा था तभी यह लड़का उसके रिक्शा के सीट में एक सोने की चैन छुपा देता है और उसके साथ 1,00,000 रुपए का घड़ी भी छुपाता है क्योंकि इसके पीछे पुलिस लगा हुआ था। उसी के डर से यह ऐसा काम करता है। तभी यह दूसरा पुलिस वाला अपने पत्नी के साथ इस लड़के को पैसा और गहना छुपाते हुए देख लेता है। उसके बाद यह रिक्शा वाला फ्रेश होके अपने रिक्शा पर बैठकर जाने वाला होता है। तभी ये दोनों आकर बहाना बनाते हुए इससे कहती है, आपकी रिक्शा बहुत अच्छी लगती है, कहाँ से लिए है? तो यह रिक्शा वाला कहता है, हमने परसों ही ये रिक्शा सेकंड हैंड लिया हूँ, नया खरीदने का औकात नहीं था। तो लड़की कहती है, मुझे ना ये रिक्शा बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि मेरा पति रिक्शा चलाए और मैं पीछे बैठकर घूमूं, इसलिए तुम ये रिक्शा मुझसे बेच दो। तो ये रिक्शा वाला मौके का फायदा उठाते हुए 20,000 के रिक्शे को 1,00,000 रुपए मांगता है। तो ये दोनों लालची आदमी 3-4 लाख का सोने की चैन और पैसे सोचकर इसे 1,00,000 रुपए दे देता है। लेकिन आगे इसके साथ बहुत बुरा हुआ, जिसे देखने से पहले 1 लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। दरअसल वह पैसे और सोने की चैन नकली था।